अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिलहाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, पेरियटन कराची। आज हम मौजूद हैं प्रेसेंट 35 स्पोर्ट्स सिटी विलास की लोकेशन पे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो है वो स्ट्रीट टूर देंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे विलास के अंदर कितनी फैमिलीज रह रही हैं, क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको स्पोर्ट सिटी विलास का साइज़ बताता चलूँ, तो ये 350 गज़ के विलास हैं। 350 स्क्वायर यार्ड इनका एरिया है टोटल, और 4 बेड अकोमोडेशन है, 4 बेडरूम्स हैं, अटैच वॉशरूम्स हैं हर बेडरूम के साथ। इसमें लाउंज और ड्राइंग एरिया अलग से दिया गया है, सर्वेंट क्वार्टर जो है वो अलग से दिया गया है। यहाँ पे इन 4 बेड अकोमोडेशन के जो विलास हैं, ये प्रेसेंट 35 के अंदर बहरिया ने दिए थे। इनकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो ये है कि मेन जिन एवेन्यू को फेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ हैं। उसी स्टेडियम की वजह से ही इनका नाम स्पोर्ट सिटी विलास रखा गया है। हम हमेशा से अपने चैनल के थ्रू ये मैसेज देते रहे हैं कि स्टेडियम की सराउंडिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफादियत रखती हैं। जैसा कि सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है जो कि ऑपरेशनल है, ये मैं उस एरिया के अंदर हूँ स्पोर्ट सिटी के, जहाँ पे तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ज़्यादातर ऑनर्स यहाँ पे रह रहे हैं, रेंट पे बहुत कम लोग हैं यहाँ पे रहाइश पजीर। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं कि स्टेडियम की सराउंडिंग की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा अपनी अलग से अफादियत रखती हैं। उनके रेट्स के अंदर एक अलग से डिफरेंस होता है, उसको उस एरिया को एक अलग से जो है वो वैल्यू मिलती है। उस मिलने की वजह क्या है कि उसका अंदाज़ा आप ख़ुद कर सकते हैं, ख़ुद से उसको एनालाइज़ कर सकते हैं कि अगर हम कराची सिटी के अंदर या किसी भी बड़े शहर के अंदर जहाँ पे आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्टेडियम्स हैं वो बने हुए हैं, तो उनकी सराउंडिंग की चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, वो उनकी कीमतों में और बाकी प्रॉपर्टीज़ की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और लोग ऐसी जगहों के करीब में रहना और तमाम चीज़ों को जो है वो पसंद करते हैं, तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो है स्पोर्ट सिटी के अंदर हमें वो देखने को मिलता है। अगर आप एक बेंगलो के अंदर रहना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं वो रिकमेंड करूँगा। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों का रहने का तरीक़ाकार है, वो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी की तरह लोग रहते हैं। नो डाउट कि ये गेट से दूर है, लेकिन यहाँ पे इसके करीब स्पोर्ट सिटी की जो शॉपिंग गैलरी है प्रेसेंट 33 के अंदर वो ऑपरेशनल कर दी गई है, तो लोगों को यहाँ से बाहर जैसा कि पहले अली ब्लॉक या प्रेसेंट 10 के अंदर जाना पड़ता था, वो वाली मुश्किल नहीं होती। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको तमाम सिक्योरिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो स्पोर्ट सिटी विलास की कीमतें जो थी उनकी बात अगर हम करें, तो इन कीमतों के अंदर हमें एक काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है। जो विलास 3-3 करोड़ के अंदर सेल होते थे, आज वो हमें वही विलास 2 करोड़ 50, 60 लाख, 40 लाख के ब्रैकेट में नज़र आते हैं। वो विलास जो हमें 2.40 या 2.30 के अंदर मिलते थे, आज वही विदाउट की विलास जो हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वही विलास हमें जो है वो अराउंड 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो आज ये बेस्ट टाइम है कि आप एक रेडी प्रॉपर्टी जो है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर अपने रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल करीब आइफल टावर को फेस करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को बाय करें। इनके अंदर अपनी जो आपका रहाइश है उसको रखें, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की रहाइश के लिए जो है इसको रखें। तो प्रेसेंट 35 स्पोर्ट सिटी विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी तरह की क्यूरी के लिए स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।